are a great tool with some able to be used on body. हमने सबसे पहले क्रिस्टल ग्रिड्स कहाँ देखे यूज होते हुए? वर्ल्ड वाइड, ठीक है, विद मेगा स्टोन्स प्लेस्ड अराउंड दी वर्टेक्सेस, जहां पे हमारी ले लाइंस मीट होती है और जहां पे हमारी हार्टमेंट लाइंस मीट होती है. ले लाइंस एंड हार्टमेंट लाइंस, दे आर द इमेजिनरी लाइंस, एनर्जेटिक लाइंस मेड डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट. उनके अकॉर्डिंगली ये लाइंस, दे आर लाइंस थ्रू, they are the result of radiations from planet, sun, moon and outer sources. So, ye jab earth pe aati hai, they have special meaning. They are impacting the earth in where these ley lines meet. Wahan pe kai baar ek vortex, energy vortex create hota hai, that is very highly powered. Ab ye jo ley lines hai, ye kabhi kabhi hamare ghar mein, matlab kisi hamare ghar ke niche bhi ho sakti hai inke vortexes. Sometimes we call it geopathic stress. देखिए ये ley line negative नहीं होती, लेकिन इनका जो pressure होता है वो इतना high होता है कि that is not adjustable within our living system. हम लोग तो बहुत सूक्ष्म हमारा है existence. जो इनके existence होती है बहुत बड़ी होती है, ठीक है, तो हम लोग इसको खाली कुछ लोग absorb नहीं कर सकते, तो वो as a geopathic stress आ जाता है. तो geopathic stress तो बहुत अलग अलग तरीके का होता है, तो ये layman grade और hartman grade भी one of the causes of geopathic stress. Then jo crystal grids, ha hamare purvajon ne kya kiya, in vortexes ke upar jo main vortexes the unke upar unhone megaliths, bade bade stones ko ek pattern mein laga liya, so that unki jo energy hai wo hum use kar sake. Ma'am generally wo jo jyotirling hai jitne bhi 12 15 wo sare vortex, yes, मेन सारे जो चर्चेस है, ज्योतिर्लिंग है, सब एनर्जी वोर्टेक्स पे. तो अब हमें एक तो हो गया वोर्टेक्सेस पर, नेक्स्ट हमारी क्रिस्टल ग्रिड बनती है ऑन बॉडी. ऑन बॉडी जब हमने चक्रास पे रखा, तो अगर आपको स्पेशली किसी चक्रा को ट्रीट करना है तो आप क्या करेंगे, वी प्लेस सर्टेन क्रिस्टल्स इन अ पैटर्न. अब वो पैटर्न अब हम आगे पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से पैटर्न कर सकते हैं. वो पैटर्न हम एक ग्रिड पे भी ले सकते हैं बाहर की तरफ भी, और बॉडी के ऊपर भी वो पैटर्न बना सकते हैं. अगर हमें किसी भी एरिया की हीलिंग एनर्जी बनानी बढ़ानी है, ठीक है, तो हमें ग्रिड ग्रिड बहुत काम आती है. आप जैसे बेडरूम है, बेडरूम में अगर कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, तो आप उसके लिए उनको रिलेशनशिप ग्रिड बना के दे सकते हैं. आप कोई भी इश्यू होता है आपके घर में, आप उस इश्यू के लिए एक ग्रिड बना सकते हैं, ठीक है. साथ में आप हीलिंग सेशन दीजिए और ग्रिड बनाइए, तो वो एक मल्टीपर्पस काम हो जाएगा.